जब साल 1998 में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई तो दिनेश त्रिवेदी उनके साथ आए। ममता ने उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया था। 1990-1996 तक वे गुजरात से राज्यसभा सांसद रहे। तब वे जनता दल के टिकट पर राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2002 से 2008 के बीच आदरणीय दिनेश त्रिवेदी जी पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में चुने गए। 2009 में दिनेश त्रिवेदी जी पश्चिम बंगाल के बैरकपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और सीपीएम पार्टी के तरित बरल तोपदार को हराया। 2011 में श्री दिनेश त्रिवेदी देश के केंद्रीय रेल मंत्री बने। 13 जुलाई 2011 से 18 मार्च 2012 तक वो रेल मंत्री रहे। 2012 में उन्होंने देश के रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2014 में वे बैरकपुर से एक बार फिर से 16वीं लोकसभा का चुनाव लड़े और सीपीएम को हराया। 2017 में वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बने। अप्रैल 2020 से 12 फरवरी 2021 तक वे पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद रहे और 12 फरवरी को उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। दिनेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से कि वो पुष्पगुच्छ और पटका इत्यादि दे करके फॉर्मली दिनेश जी को पार्टी में इंडक्ट करें। आप तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर मुख्यालय की, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पर्ची देकर उनको बीजेपी का प्राथमिक सदस्य बनाया और बीजेपी में शामिल कराया। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आप को रखे आगे। एबीपी न्यूज़।